जिसको कन्ने बोलते हैं। तो ये पहली गांठ जो होती है तेज मारनी चाहिए ताकि वो क्या खुले नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, तंग मारने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो ऐसा कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है कि भाई तंग मारने का एक ही तरीका है कि छेद यहाँ, ये तो फिक्स है कि ये दोनों छेद क्रॉस होते हैं, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, जैसे शूलेस जलती है ना क्रॉस। और जो पीछे के जो कन्ने होते हैं, जो छेद होते हैं, वो कुछ लोग यहाँ पे डालते हैं, कुछ यहाँ 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 तक डालते हैं। तो वो अपने अपने उड़ाने के स्टाइल पे निर्भर है कि वो कैसे पतंग उड़ाना चाहते हैं। ऐसे कोई यूनिवर्सल वो नहीं है कि भाई आपके कन्ने यहीं बनेंगे या यहाँ बनेंगे, जो आपकी सुविधा हो आप वैसे बांध सकते हैं। तो मुझे ये सही लगा तो मैं यहाँ बांध रहा हूँ, सिंपल सी बात है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो आगे बांध रहे हैं तो यही गार्ड इसको पीछे ले जाके इसको यहाँ से वापस क्रॉस करके यहाँ ले आते हैं ताकि वो क्या और स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन मैं ये आपको अभी नहीं करके दिखा रहा, ये अगले वीडियो में हो सकेगा तो उसमें दिखाऊंगा अच्छे से बेसिक स्टेप्स ऑफ करना। अब इसको मैं डबल कर लेता हूँ, ये डबल था इसको मैंने चार लड़ा कर लिया। ये देखो इसको ऐसे करते हैं, चार लड़ा यो करके, ये देखो मैंने डबल लड़े थे इसको चार लड़े कर लिया। मैं पीछे डाल रहा हूँ तो देखते हैं जल्दी से कन्ने बंधे, फिर हम इस पतंग को उड़ाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कैसे उड़ती है पतंग। टाइट, तीन गार्ड तो मानो, कम से कम तीन तीन गार्ड तो माननी चाहिए। अब कन्ने जो है वो आप ऐसे देख के जो देखा करें कि हमेशा आगे की तरफ झुकाव होना चाहिए, आगे थोड़ा सा बाहर आगे की तरफ होना चाहिए। यूँ करके इसे बांध के हम नाप भी सकते हो, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाव होना चाहिए पतंग का। तो अपने हिसाब से ये भी कोई यूनिवर्सल नहीं है, अपना जो जैसा उड़ाना चाहता है वैसे अपने हिसाब से रख सकता है। तो ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ भाई आपको ऐसे ही बांधना है। तो मैं इसको यहाँ बांध रहा हूँ, ठीक है, हमारी पतंग तैयार है एकदम उड़ने के लिए। उड़ने के लिए इसके पीछे से टेप और लगा देता हूँ, किसके नहीं, ये किसके नहीं है, इसलिए लगाई जाती है ताकि किसके नहीं आगे और थोड़ी मजबूती आ जाए इसमें, क्योंकि ये खिसकते क्या है, यहाँ आते रहते हैं, आपने देखा होगा खिसक खिसक के यहाँ जाते हैं। आगे वाले इसलिए नहीं खिसकते क्योंकि आगे कमान रहते हैं इसको रोकने के लिए, यहाँ कोई कमान नहीं है इसलिए ये आगे खिसक जाते हैं। तो ठीक है, हम आपको वीडियो इसका ये दिखाते हैं इसको उड़ा के। मेरा वॉलेट कहाँ है, सॉरी मेरा स्पेक्स कहाँ है, स्पेक्स वहाँ रखें, कोई बात नहीं आप अपना दे दीजिए। ये मैं बांध रहा हूँ, सद्दे से उड़ा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये विक्टर की सद्दी है, विक्टर की सद्दी है, विक्टर की सद्दी थोड़ी मोटी आती है और ये पतंग थोड़ा हैवी हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कांख मोड़ ली, कांख हमेशा यहाँ से मोड़नी चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ इस बीच में आपको कांख मोड़नी। कुछ लोग क्या है बीच में से कांख मोड़ते हैं, वो गलत है, कांख हमेशा यहाँ से कांख थोड़ी टाइट है तो थोड़ा सा डाउट है कि टूट भी सकती है, क्योंकि ये कोई अच्छे कारीगर की पतंग नहीं है, नॉर्मल पतंग है, बिना मोहर की पतंग है। तो हमने इसलिए एक लोकल पतंग ली, अगर कोई अच्छा कारीगर होता है वो अपनी ज़रूर कोई मोहर लगाता है, इस पर कोई मोहर नहीं है, कहीं पर भी कोई मोहर नहीं है। तो ये पतंग आपकी उड़ने के लिए तैयार है। हवा की तरीके में क्या करें तो पूछो, देखते हैं कैसे उड़ती पतंग। पतंग उड़ रही है, अभी हवा बहुत कम चल रही है तो पतंग को मैं आपको अच्छे से उड़ा के दिखा लेंगे, पतंग उड़ते हुए देख सकते हो आप। इसके साथ मैं एक गांठ और बांधूंगा, अभी पतंग थोड़ी सी भारी होगी। प्यारी पतंग है, ये निकल गया इसका, देखो एक गांठ और एक गांठ आगे लगा दे, पतंग बहुत भारी हो चुकी है।
पतंग का वजन डबल हो गया, डबल। ये हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, बिल्कुल भी नहीं चल रही। अगर हवा चलती तो मैं आपको और अच्छे से उड़ा के बता दूं। ये पतंग का वेट बहुत हो चुका है, कांख मोड़ने की है थोड़ी, कांख तो मोड़ ली, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। थोड़ी सी हवा चलती तो मैं और अच्छे से उड़ा के बता दूं। देखो हर जगह वो पतंग भी ठुमकी है मार, और अच्छे से उड़ा के दिखाता हूँ। थोड़ी सारी हवा कुछ भी चले ना तुम थोड़ी सी उड़ा के रखो। कितनी शानदार लग रही है पतंग उड़ते हुए, बहुत पतंग भारी लग रही है। इसको थोड़ी सी हवा तेज चाहिए होगी उड़ने के लिए, क्योंकि पतंग क्या टेप बांधी है और इसके साइड में जो पूंछड़ी वगैरह लगाई गई है वो बहुत भारी है, इसलिए पतंग भारी हो गई है। इसलिए मैं आपको इससे ज़्यादा लंबी करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है इसको। अब पतंग देखो कितना खुश लग रहा, मछलियाँ दो मछलियाँ आपस में किस करती हुई, नहीं उड़ रही पतंग, हवा बहुत कम है तो उड़ रही है शानदार। इसको थोड़ी सी तेज़ हवा चाहिए, क्योंकि पतंग क्या भारी है ना, इसलिए थोड़ी सी तेज़ हवा चाहिए पतंग। पकड़ना ही इसको, तो जूम करता हूँ। वाह यार कितनी शानदार लग रही है, अलग ऐसी पतंग देखिए आपने। अब हवा लग रही है पतंग को बिल्कुल, अब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, अब चल रही है हवा धीरे 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 धीरे, पतंग लंबी होती रही, अलग ही दिख रही है आसमान को। देखो बीच में आपको दूर से देखे तो इसमें क्रॉस नज़र आता है, वो स्पाइडरमैन के वो हैं ठीक है। दूर से देखोगे तो बीच में क्रॉस दिखा आ रहा है, ईसा मसीह का जो साइन होता है ना। क्रिसमस भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है, दूर से तो ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन ये पर्पस वो नहीं था, ये बस तो दूर से नज़र आ रहा है। अरे बहुत शानदार पता नहीं, क्या शानदार। पत्ता देखो सिल्वर कलर का अलग ही दिख रहा है, चीज़ें बहुत अच्छा है पतंग। जाता रह जाता पतंग, स्पाइडरमैन हवा में उड़ता हुआ, और सिल्वर कलर की जो टेप है वो चमक रही है, धूप में ये इसलिए लगाई गई थी ताकि पतंग चमके। आप देखो ध्यान से, इसमें दो मछलियाँ हैं वो भी चमक रही है, दिखेगी नहीं इतनी दूर, मछलियाँ नहीं दिखेगी, जब मैं इसको थोड़ा पास लाऊंगा पतंग भी दिखेगी। ये देखो पत्ता कितना चमक रहा है, हवा की स्पीड और तेज हो जाए ये और अच्छे से दिखा पाऊंगा मैं भी। चलिए थोड़ी थोड़ी हो जाती है भाई, चल जाओ थोड़े सब्सक्राइबर्स को दिखा दें हम वीडियो। चल थोड़ी थोड़ी चली जाए, थोड़ी थोड़ी और चलिए, चलिए ठीक है ठीक है। तो आप वीडियो एंड करते हैं, अगले वीडियो में कुछ और दिखाएंगे, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।